हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कई साथियों के सीईटी का रिजल्ट आने के बाद बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं और विद्यार्थी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं कि सर, जो 15 गुणा का क्राइटेरिया क्या है उसमें हमारा नंबर नहीं आ रहा है, हमारे नंबर कम बन रहे हैं, क्या हमारा आगे भर्तियों के लिए चयन होगा या नहीं होगा, सरकार ने क्या सिस्टम कर दिया, एक ही एग्जाम के लिए दो दो एग्जाम हमको देने पड़ रहे हैं और सीईटी के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो साथियों, आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं तमाम उन सभी जो टीचर्स हैं उनको भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप विद्यार्थी के अंदर जो ये 15 गुणा का क्राइटेरिया है इसको खत्म कीजिए और 40% तक का जो क्राइटेरिया रखा है, यानी 40% वाले सभी विद्यार्थियों को जो आगे की भर्तियां हैं उनमें बैठने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है, क्योंकि सीटी के अंदर अगर 15 गुणा विद्यार्थी पास करेंगे तो कितने विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप सोच सकते हो कितने विद्यार्थियों को मौका मिल पाएगा। और विद्यार्थियों को इतना जो है टाइम भी नहीं दिया जाता है तैयारी करने के लिए, घर वाले बार बार फीस नहीं दी जाती है, आपको पता है क्या परिस्थितियां रहती है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, एक सुखद संकेत है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री जी तक जो ये आपका विवाद है इस भर्ती का, कहने का मतलब ये जो सीईटी 15 गुणा का ये बात पहुंच चुकी है और जाहिर तौर पे दोस्तों उम्मीद है कि अच्छी खबर अपने को मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ क्या पूरा मुद्दा है यहाँ पर। आज जो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी से जिनको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था उनमें क्या यहाँ पर बातें रखी गई थी दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। तो आपको पता है जो सीईटी की जो विज्ञापन जारी की गई थी उसके अंतर्गत बताया गया था कि हम जितनी भर्ती है उनके 15 गुणा विद्यार्थियों को ही पास करेंगे। अब आप मान के चलो, जैसे ज्यादा ज्यादा अगर बात करते सीटी में फिलहाल अभी जो है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है और उसमें आपके लगभग बात करें तो 5000 पोस्ट है, 5000 जो वैकेंसी है, कुल 5000 वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट में। कितनी है साथियों? 5000। अब 5000 में मान के चलो कितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे 15 गुणा में? 75000। अगर अपन 15 गुणा करते हैं कितने हो जाएंगे? 75000 स्टूडेंट को ही यहां पर मौका मिलेगा भाई। कितना? 75000 को। बाकी के जो 11 लाख स्टूडेंट बैठे हैं उनका क्या होगा? आप सोच सकते हो दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया है ये मेरे तो समझ के बाहर है, क्योंकि मेरे पास इतने विद्यार्थियों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, हमारा मन नहीं कर रहा है, बाकी एक सब इंस्पेक्टर बचा है हमारे पास में या आरएस की वैकेंसी बची है। तो इनके अलावा इतनी जो इसमें 13-14 भर्तियां शामिल कर रखी है उनका क्या होगा? तो इसीलिए दोस्तों, ये 75000 विद्यार्थी बैठेंगे, बाकी विद्यार्थी को दोबारा सीटी देनी होगी। और आपको पता है विद्यार्थी कई बार एक नंबर से दो नंबर से रह जाता है तो उसको फिर से सीटी देनी होगी। तो इस तरीके के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है बताया गया है कि 40% वाले विद्यार्थी भी यहाँ पर पास होंगे दोस्तों। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है, अच्छी खबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो 15 गुणा का नियम है इनको हम समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हम हमारी तरफ से जितना भी कैंपेन है जो भी है हम चलाने का प्रयास करेंगे, बाकी जो जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उनको भी आप इन्फॉर्म कीजिए कि इस क्राइटेरिया को हटाइए, ठीक है? ये क्राइटेरिया समझ के बाहर है। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें, तो जो यहाँ पर है आज की जो खबर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देख सकते हो कर्मचारी चयन आयोग, इसमें बता रखा है आपको दिख रहा होगा 40% अंक हो पात्रता। भाई जो है 40% तक की पात्रता रखी जाए, यानी लगभग 120 नंबर अगर आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के तो उसको पास किया जाए 300 में से, ठीक है? सीईटी भर्ती में 15 गुणा अभ्यर्थी को ही शामिल करने का विरोध, बिल्कुल। यहां पर देख सकते हो भर्ती परीक्षा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 15 गुणा अभ्यर्थी को ही शामिल करने के नियम का बेरोजगारों ने विरोध शुरू कर दिया है। बेरोजगार सीईटी में 40% अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा के लिए पात्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सही बात है, इसमें देखते हो अभ्यर्थी गौरव जैन, सुमित और जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये जो विद्यार्थी है इन्होंने सरकार से ये आग्रह किया है और यहाँ पर साफ साफ बताया, आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें बता रखा है कि जो विद्यार्थी है 40% वाले सबको यहाँ पर मौका दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हो इसमें और भी जानकारी दी गई है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्लियर क्या क्या यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर दोस्तों जो मुख्यमंत्री महोदय है उनको ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पर देखते हो अभ्यर्थियों के साथ कुठारघात है, इस नियम के चलते बेरोजगारों को सरकारी भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिल पाता नहीं मिल पाता है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री
कि मेवाड़ दौरे के दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया है। यहाँ पर देखते हो जब मुख्यमंत्री ने मेवाड़ का दौरा किया था उस समय ज्ञापन दिया गया है और सीएम ने इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि सीएम तक बात पहुंच चुकी है तो उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जो अपने राजस्व मंत्री है रामलाल जी जाट, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी और भी कमेटी के जो सदस्य हैं जो वहां पर उपलब्ध थे उनको ज्ञापन दिया गया है। तो अच्छी बात है दोस्तों, ज्ञापन देना चाहिए, सरकार को विद्यार्थियों की बात को सुनना चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए सरकार तक, क्योंकि सभी विद्यार्थी इतने मौका नहीं मिलता सभी विद्यार्थियों को कि बार बार एक एग्जाम के लिए तैयारी करें फिर वो रह जाते हैं। तो कम से कम इतनी भर्तियों के लिए तो उनको मौका देना चाहिए, भाई आप सीटी करवा रहे हो कोई बात नहीं है, जरूरी है सीटी करवाना, लेकिन 40% का क्राइटेरिया तो रखो आप। फिर आप कल को कह दो कि हम तो 5% विद्यार्थियों को, 5 गुणे विद्यार्थियों को पास करेंगे, तो भाई फिर आप ऐसे ही ले लो परसेंटेज के आधार पे, क्यों भर्तियां करा रहे हो। तो ये मामला थोड़ा गंभीर है और इसमें साफ साफ बता रखा है कि सीईटी में शामिल हुए थे 8 लाख विद्यार्थी और 11 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 8 लाख परीक्षा में बैठे थे, 15 गुणे के हिसाब से आप देखते जो मैंने अभी बताया था आपको, 5170 पद है जूनियर अकाउंटेंट में, एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, और 77,850 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे टॉप मेरिट में, बाकी 7,22,150 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, ये फिर से वापस बैठेंगे, फिर से टाइम इनका खराब होगा, सब कुछ होगी। तो इसीलिए ये बड़ी अपडेट है और आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये लोगों तक बात पहुंचे और हमारी जो विद्यार्थियों की पीड़ा है उसको सुना जाए, विद्यार्थियों को एक बार मौका दिया जाए। कम से कम सरकार का ये लास्ट साल है तो इसके अंदर तो अगर मौका दिया जाए तो सरकार अगर हित में कार्य करेगी तो बेरोजगार भी सरकार के हित में सोचने का प्रयास रहेंगे दोस्तों। तो हमारी यही मांग है, आशा करता हूँ आपको जानकारी चलेगी। जो विद्यार्थी डिमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, बाकी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो सरकार चाहेगी उसके अकॉर्डिंग अपने को करना होगा। हमारा ये पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दा था, हमारा ये पर्सनल व्यक्तिगत विचार था, ये विचार हमने प्रकट किया है और सबको विचार प्रकट करने का अधिकार है, संविधान के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको दे रखी है। तो आप जो भी आपके संपर्क के अंदर जो भी आपके MLA विधायक वगैरह जो भी है मंत्री उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए और हमको 40% को सभी को पास करें एक बार के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों और सभी तक इसको पहुँचा देना, टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।